मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो सीमा सुरक्षा बल, जी हाँ, BSF में ग्रुप सी और ग्रुप बी की अलग अलग भर्तियां आई हैं। दोनों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप अंदर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। PDF पूरी आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप सी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप सी की जो वैकेंसी आई है, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिकल असिस्टेंट, यानी कि SI, अलग अलग जो आप देख सकते हैं ट्रेड से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा एबेनॉइक, जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो, रडार, मैकेनिकल के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्टेज हैं, लेवल 5 की और 7 की जॉब है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को आप देख सकते हैं अलग अलग यहां पर, कांस्टेबल, स्टोरमैन, अलग अलग यहां पर दिखाया गया है। कुल मिलाकर यहां पर अगर वैकेंसियों की बात करें तो टोटल यहां पर 22 वैकेंसी ग्रुप सी की आई है। बाकी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम 28 ईयर होनी चाहिए। बाकी अलग अलग आप देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए अलग है, रेडियो के लिए अलग है, और कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए आप देख सकते हैं 20 से लेकर 25 साल आपके यहाँ पर एज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी SC ST OBC में आपको यहाँ पर छूट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो SI के लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, और बाकी कांस्टेबल के लिए आपको 10वीं पास विद साइंस और इक्वावेलेंट हो, यानी कि 10वीं अगर आप साइंस से हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिजिकल एक्सपीरियंस जो एलिजिबिलिटी है आप देख सकते हैं, हाइट, चेस्ट, वेट, और बाकी आप देख सकते हैं कांस्टेबल के लिए भी अलग अलग यहां पर जो है दी गई हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ डिटेल है, इसको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 50% मार्क्स जो है आपको जर्नल में लाने बाकी हैं। ऑनलाइन फॉर्म है, कैसे अभी अप्लाई करना है वो भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा। रिक्रूटमेंट सेंटर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर सब कुछ दिया हुआ है, तो अच्छे से आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PDF है, मैं आपको अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो रही पहली जो वैकेंसी है ग्रुप सी की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं ग्रुप बी की है, जहां पर सब इंस्पेक्टर वर्क्स और जूनियर इंजीनियर की कुल मिलाकर 22 पोस्टों के लिए यहां भी है आई हुई, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं एज जो है 30 ईयर है यहां पर, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन जो रहेगा SC ST OBC के लिए वो तो आपको यहाँ पर जो है दिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों पोस्टों के लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा आपको पास होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट से। फिजिकल स्टैंडर्ड लगभग दोनों पोस्टों के लिए यहाँ पर आपको सेम है। बाकी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का, आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और जो आपका सब्जेक्ट होगा सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे यहाँ पर आपको मार्क्स दे जाएंगे। सिलेबस वगैरह भी आप देख सकते हैं दिया हुआ है, तो ये PDF भी मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इसको जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आप सीधे चलते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप बी की हमने देख ली, ग्रुप सी की हम देखते हैं प्लम्बर, कारपेंटर, और जो है जनरल ऑपरेटर, कांस्टेबल, और मैकेनिक और लाइनमैन। कुल मिला के आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर टोटल 9 पोस्टें निकाली गई हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें, एज आप देख सकते हैं मिनिमम 18 है, मैक्सिमम यहाँ पर 25 ईयर है। बाकी SC ST OBC जो भी अलग अलग कैटेगरीज है वहाँ पर अलग अलग दी जाएंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि एक ITI होना चाहिए अगर आप प्लम्बर, कारपेंटर और ऑपरेटर के लिए है, तो डीजल मैकेनिक के लिए आप होना चाहिए, तो अलग अलग है यहाँ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड वही लगभग सेम है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो होगा रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह भी है, किस तरह से रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का रहेगा। बाकी डिटेल सिलेबस वगैरह भी यहाँ पर देख रहा है। अप्लाई करना है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, सीधे यहाँ पर आएंगे रिक्रूटमेंट ओपनिंग का ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। तो जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पर आपको सीधे आना है, सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, डिटेल्स आपको भरनी है, आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद सीधे आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये रही सारी डिटेल, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरी PDF मैं शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।